अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, हम सब भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपको पहला रोज़ा रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो ये ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, पर देर से ही सही मैं बना रही हूँ। यहाँ अक्सा की पहली इफ्तारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम चलते ब्लॉक की तरफ। ये देखिए, आज अक्सा की फरमाइश पे बन रहा है दही भल्ले। उसको वही पसंद है, तो उसका पहला रोज़ा है, तो उसकी पसंद का ही सब कुछ आज घर में बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल रात भर भिगो के रखा था। यहाँ पे दो तीन आलू भी डाला है मैंने। इन सबको नमक डाल के और हींग डाल के इसे हम पीस लेंगे मिक्सी में अच्छी तरह से। इसको पीसने के बाद हम 2 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए मिक्सी में मैं पीस रही हूँ। हमें गाढ़ा बैटर ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं। देखिए इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए हमें। इसी तरह से हम पीस के लेंगे इसे। तो अभी जिस तरह मैंने स्टंट किया था, इस तरह आप मत कीजिएगा घर में, क्योंकि वो ज़्यादा जम चुका था। इसमें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हल्का सा 1-2 घूंट जैसा पानी डालना है। इसमें 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए हमने रख दिया। यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया। गर्म पानी में हींग डाल रही हूँ, ये हींग, और इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। इसे गर्म कर लेंगे हम। गर्म करके हो चुका है, इसे साइड में मैंने रख दी हूँ। और यहाँ पे तेल कढ़ाई में डाल दी हूँ, गर्म होने के लिए रख दी हूँ। अभी इसे हमें जो है ना, हमने पीसा था जो बैटर दही भल्ले का, चाहिए उड़द की दाल का, तो इसके अच्छी तरह से फेटेगी। एक ही साइड से हम अच्छी तरह से फेटेगी। और तेल में ना आप ना थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया करें, कैसे ऐड करने से ना तेल, जैसे हम कुछ भी तलते हैं ना, तेल कम पीता है वो, इसकी वजह से हम थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। तो इससे बिस्मिल्लाह बोल के मैं थोड़े थोड़े दही भल्ले इसमें ऐड करते जा रही हूँ। तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, ज़्यादा तेज़ गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे दही भल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा कुनकुना तेल में ही इसे ऐड कर लीजिएगा, आप तलना फ्राई करना शुरू कर दीजिएगा। ये खुद ब खुद फूल के इसे ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने सब मिश्रण मिक्स किया है ना, बहुत अच्छे से हमारे दही भल्ले बनेंगे। अब इस तरह एक बार घर में ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं, सभी को पसंद आएंगे घर में आपके। हाँ, घर में सबने शौक से खाया था। आलू ऐड करने से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा स्मूथली क्रिस्पीपन आ जाता है दही भल्ले में हमारे। आइए, ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो उड़द की दाल में ही सिर्फ बन जाता है ये। तो मैंने यहाँ पे मैंने देखा था किसी का हलवाई को बनाते समय, तब मैंने इसे ऐड किया था। मैंने बस चलो ट्राई करके देखते हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना था हमारे दही भल्ले। इसी तरह से हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करके लेंगे, पूरा ब्राउन कर फ्राई नहीं करेगा, हल्का सा ऐसा वाइटनेस पर इसमें रहन देंगे, क्योंकि हमें इसे 2 टाइम फ्राई करना है ना। तो इस बार एक बार मैं इस तरह निकाल लेती हूँ, बाकी सारे बड़े मेरे नहीं क्या, इस तरह से फ्राई करके सारे एक बार निकाल लूँगी। उसके बाद मैं अच्छी तरह से सेकेंड टाइम फ्राई करूँगी। देखिए इसी तरह से हम इसे फ्राई करके लेंगे, है ना। ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना, ये काट जैसे थोड़ा कच्चा रख लेंगे। इसी तरह से हम इसे फ्राई करके लेंगे। यहाँ पे भी मैं अच्छी तरह से इसे मतलब फ्राई करूँगी, एकदम ब्राउन नहीं करना है हमारे। अगर आपको वीडियो मेरा ज़रा सा भी आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए हमारे जितने भी फ्राई कर चुके थे ना हमने दही भल्ले, इसको सेकेंड टाइम हम फ्राई करेंगे। ये फर्स्ट टाइम की थी ना, तो ये भी सेकेंड टाइम, ये 2 टाइम फ्राई करना होगा इसे। अब इसे इस समय हम ब्राउन करेंगे, ठीक है। पहले हम किए थे तो वाइटनेस था, इसे फ्राई करने के बाद डायरेक्ट हम पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है रोज़ा खुलने का, है ना। ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 6:15 हो चुके हैं। मैंने कम से कम इसे 5 मिनट हींग और नमक के पानी था ना हमने गर्म किए थे कुनकुना, इसे इसमें मैं ऐड कर लूँगी। इसको इसे ऐड करने के बाद लगे 5 मिनट बाद मैंने तुरंत निकाल लिया था और डेकोरेशन के लिए मैं तैयार कर रही थी। देखिए 5 मिनट ही रखा था मैंने, ज़्यादा देर रखा नहीं था, क्योंकि गरम गरम ही हम तेल में से निकाल के इसमें ऐड किया था और गरम पानी भी था, बहुत जल्दी भीग गए थे वो, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में सब भल्ले हमारे अच्छी तरह से पानी हल्का सा निचोड़ के इसमें रखी हुई। ये देखिए दही में मैंने शक्कर फेंट के रखा था, ये दही में इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें शक्कर मैंने पहले से फेंट के रखा था, क्योंकि अभी हमें टाइम मेरे पास कम था और यहाँ पे रोज़ा खोलने की तैयारी थी। मीठी चटनी है, इमली के पानी चिंच पानी भी हम डाल सकते हैं, इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे हरी चटनी ऐड कर रही हूँ मैं, ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, घर में पीस के रखा था मैंने, ये ऐड कर रही हूँ।
और यहाँ पर डेकोरेशन के हिसाब से मैं शेव डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे वो पानी पूरी के क्रिस्पीपन रहते हैं ना, पानी पूरी भी चूरा करके डाल सकते हो डेकोरेट के हिसाब से। यहाँ पे देखिए मैं सब दस्तरखान बीत चुका है माशाल्लाह। यहाँ पे अक्सा बैठी हुई कितनी प्यारी लगी, यहाँ पे दस्तरखान बीत चुका है, यहाँ पे अक्सा अलीशा दोनों बैठे हुए कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। देखिए यहाँ पे दस्तरखान बिछा दी हूँ, रोज़े का समय हो चुका है, अभी कम से कम सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है, मैं इसलिए फ़ौरन फ़ौरन जैसे तैसे शूट की, क्योंकि अक्सा का स्पैरा रोज़ा था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रोज़ा कंप्लीट की है, फर्स्ट रोज़ा बहुत अच्छे से। यहाँ भी बड़ों को सब्र नहीं होता, ये बच्चे ने कंप्लीट किया, इसलिए मैं हार फूल पहना रही हूँ। हमको भी बचपन में हमारी अम्मी ने ऐसे ही किया था, तो मैं अभी मेरी बेटी को कह रही, बहुत खुशी हुई मुझे उसका पहला रोज़ा कंप्लीट हुआ, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह से मैं इसको लिफ ये शगुन भी दी हूँ, उसका हार फूल की हूँ। यहाँ पे इसके अभी मैं इसको बोलूँगी दुआ मांग ले, अभी यहाँ पे मैं दुआ के लिए हाथ उठा रही हूँ। रोज़ा खुलने से पहले दुआ करते हैं ना, यहाँ पे कहते हैं कि रोज़ा खुलने से पहले 5 मिनट पहले जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक बहुत जल्दी कबूल अता फरमाते हैं। रोज़दार की दुआ कभी भी खाली नहीं जाती, इसलिए जो भी दुआ करें ज़रूर सभी के लिए दुआ करें, सभी अमाम के लिए, उनके हक की बेहतरी के लिए, उनकी जायज़ दुआ अल्लाह पाक ज़रूर सुने। ये सब दुआ कर रहे हैं खैर आखिरत के लिए सभी के लिए, तो यहाँ पे जो भी दुआ मांगे अल्लाह पाक ज़रूर सुने आपकी हमारी सभी की दुआ, आप आमीन ज़रूर कहिएगा। यहाँ पे अक्सा की दुआ मांग के हो चुका है, यहाँ पे मैं उसको रोज़ा खुलवा, यहाँ पे रोज़ा खुलने की दुआ उसको पढ़ के सुना रही हूँ अक्सा को। ओके यहाँ पे हम सब ने रोज़ा खोल लिया बिस्मिल्लाह बोल के। देखिए अक्सा पानी पी रही, उसको बहुत अच्छा लगा, सही बात है। दिन भर बच्चा अपने को भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो बच्चा इसने भी बहुत, मुझे उम्मीद नहीं थी कंप्लीट कर पाएगी रोज़ा, पर अल्लाह का शुक्र है कि इसने रोज़ा पूरा कंप्लीट किया, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से रोज़ा कंप्लीट किया। जैसे सब कुछ जो भी बना था ना अभी इफ्तारी में, सब इसकी पसंद से बना था, जैसे दही बल्ले हो गए, इसके अब्बा ने कचौरी भी लेके आए थे, चिकन फ्राई भी लेके आए थे, कीमा के समोसे भी लाए थे, सब कुछ उसके पसंद का आया था, उसके पसंद का ही सब डेकोरेट किया था। ऐसे ही इफ्तारी में सब कुछ इसके पसंद का बना था, पहला रोज़ा था उसी के हिसाब से बनेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी तरह से मेरे ब्लॉग देखिया करें आप, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपके कोई सजेशन होगा मेरे लिए आप प्लीज़ कमेंट में आप बता दीजिए। इसके बाद अजान हो चुकी थी मगरिब की, तो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए चले गई थी, आपके भाईजान चले गए थे मस्जिद से फिर दुकान चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ के बाद यहाँ पे भी मेरी मगरिब की नमाज़ हो चुकी, मैं यहाँ पे सलाम फैल रही हूँ, यहाँ पे सभी के लिए मैंने दुआ करी हूँ, सभी के खैर आखिरत के लिए, आप सभी के लिए मैंने दुआ की हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।